हाय गाइस, वेलकम बैक टू पूर्णश्री जोरा। आई होप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए श्रेयांश के, और श्रेयांश के 9 मंथ का जो वैक्सीनेशन है वो आज है, डेट आज मिला था। तो हम जा रहे हैं अगरतला की सबसे बड़े हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जीबी हॉस्पिटल एंड एजेंसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑटो से जा रहे हैं। टाइम है 11:15 के करीब सुबह के, और अभी देखो कि हम लोग हॉस्पिटल जाने के लिए हॉस्पिटल के पास में ही आ चुके हैं, और घर के बहुत पास ही है हॉस्पिटल, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पहले भी वहाँ पे ही वैक्सीनेशन किया है, और एक वैक्सीनेशन दूसरे जगह पे हुआ था, तो बाकी सारे वैक्सीनेशन यहीं पे हुआ है। और बहुत अच्छा यहाँ का रिव्यू है, मतलब टाइम नहीं लगता है और साफ़ सुथरा है, डॉक्टर भी पेडियाट्रिशियन भी बैठते हैं, और सभी कुछ अच्छा रहता है यहाँ पे जाने से, और बुखार वगैरह भी नहीं आता है, और ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, सब कुछ इजीली हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। और देख सकते हो कि हॉस्पिटल एरिया में हम लोग आ चुके हैं, और ये है एंट्रेंस, यहाँ से लेके बहुत बिग एरिया लेके ये हॉस्पिटल है, सभी पहचानते हैं। और अभी हम लोग जाएंगे अंदर, तो अंदर का वैक्सीनेशन का पार्ट हम लोगों ने नहीं कैप्चर किया, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी का मैटर है और शायद अलाउ भी नहीं करते, तो इसलिए बाकी जो भी कुछ है यहाँ पे शेयर किया है, तो आप लोग देख सकते हो। तो वैक्सीनेशन हो गया है, श्रेयांश को देख सकते हो, थोड़ा सा रोए थे, मतलब जब वैक्सीनेशन हो रहा था एग्जैक्टली उस टाइम पे, और उसके बाद एक सेकंड के लिए भी नहीं रोए, अभी तक नहीं रो रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, और बहुत स्ट्रांगली सब कुछ डील करते हैं। ये श्रेयांश का शायद खूबियों में से एक है, और बाकी टाइम भी उन्होंने ज़्यादा रोए नहीं थे, उस टाइम रोते हैं उसके बाद नहीं रोते हैं। तो देख सकते हो कितने मस्ती मज़े से आ रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग दुकान से कुछ सामान ले रहे हैं, क्योंकि घर में मेहमान आने वाले हैं। कौन आने वाला है बाद में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज आने वाले हैं, और आज का डेट ही आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। आज है 28th of October 2021, और ये है कुसुम, आप लोग पहचानते हो, कुसुम बहुत दिनों के बाद हमारे घर पे आई है, बीच में गायब थी। और ये स्टिकर बाहर से प्रोवाइड किया है उन लोगों ने, और बहुत अच्छी तरीके से प्यार से वैक्सीनेशन करते हैं, बहुत ही बच्चों को डील करना उनको आता है, और बहुत ही अच्छा बिहेवियर था उनका। श्रेयांश को देख के किसी को नहीं पता चलेगा कि आज उसका वैक्सीनेशन हुआ है, और पता नहीं रात को बुखार वगैरह आएगा कि नहीं, आएगा तो ज़रूर अपडेट दूंगी आप लोगों को। तो श्रेयांश यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि बाहर से घूम के आए हैं बहुत दिनों के बाद, और कितने स्माइल कर रहे हैं देखो। तो देख सकते हो श्रेयांश को न्यूज़पेपर रीड करना भी आता है, और बहुत सारा स्माइल करना भी आता है। तो श्रेयांश आज बहुत मूड पे है, मज़े पे है, तो घूम के आए हैं तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मस्ती में है। और उसके बाद एक एक्सीडेंट कर दिया है श्रेयांश ने, आप लोग देखोगे अभी, तो देखो उसके बाद मैं फिर से बात करती हूँ। Thank you.
तो ये एक्सीडेंट हो गया है और मम्मी को अभी तक नहीं पता है, शायद वीडियो देख के मम्मी को पता चलेगा और बहुत ज़्यादा डांटेंगी हमें। पर प्लांट्स को कुछ नहीं हुआ है, जस्ट गिर गया था और एक फूल निकल गया है। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय, स्टे हैप्पी।